यानी कि अगर हम बिल्कुल लोग इंसेप्शन ध्यान से देखें तो ये एक स्टैंड लगाया हम लोगों ने, स्टैंड के पीछे से हम लोगों ने एक हॉर्सू टाइप का मैग्नेट लगा दिया। हॉर्सू टाइप का मैग्नेट क्यों लगाया? ताकि नॉर्थ टू साउथ मुझे क्या मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड मुझे, नॉर्थ टू साउथ मुझे क्या मिले, एक मैग्नेटिक फील्ड मिले। अब नॉर्थ टू साउथ मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिली तो मैंने क्या करा, ये ब्लू कलर का कंडक्टर रखा और उसको कैसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट किया तो इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही देके रखी, हमने करंट पहले से ही देकर रखा है। अब हम देखेंगे कि ये रॉड क्या करेगी, थोड़ा सा मूव करेगी। हम क्या देखेंगे कि ये रॉड क्या करेगी, थोड़ा सा मूव करेगी। और क्योंकि ये रॉड मूव करेगी, क्योंकि ये रॉड क्या करेगी, मूव करेगी, तो हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उस कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जैसे पंखा घूम रहा है, कूलर चल रहा है, हर वो चीज जिसमें क्या डलती है, मोटर जल डलती है, उसमें ये फोर्स कहाँ से आता है? इसी कंसेप्ट में से आता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो कंडक्टर पे से क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। क्योंकि उस कंडक्टर में से क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, तो उस कंडक्टर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और उस फोर्स की वजह से वो कंडक्टर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। इसका मतलब अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स करूंगी तो क्या फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा? हाँ, अगर मैं करंट का डायरेक्शन क्या करूंगी, रिवर्स करूंगी, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी आई समझ में कहानी? ठीक है, आगे जाएं। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको मैं अभी तक कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बी से, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बी से। तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मेरी करंट होती है और जो मेरे फोर्स होते हैं, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वो तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। किसी भी दिन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट, किसी भी फील्ड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या हुए, परपेंडिकुलर नहीं हुए, तो क्या होगा, यो फादर नहीं, ये दिस इज यू, ठीक है? ऐसे सही से फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन मतलब करंट, है ना, डबल हीलिंग बताना, ठीक है ना? आप सुनो, जीवन में चलती किसकी है, मम्मी की। किसकी चलती है, मम्मी की। पापा और बच्चे जैसा मम्मी बोलती है उस हिसाब से घूमते रहते हैं क्या? हाँ, और स्पेसिफिकली कौन घूमता है, बेचारे पापा, है ना? बच्चे बोलते हैं इधर जाना है तो बच्चों के हिसाब से इधर उड़ जाते, फिर पापा इधर चले जाते। बच्चे बोलते हैं इधर जाना है तो पापा किधर आ जाते हैं, इधर। ये तीनों का एंगल कितना रहेगा, 90। ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें जीवन में सबसे पहले 90% केसेस, 90% केसेस मतलब 90% क्वेश्चंस में हमें मदर को फिक्स कर देना, क्योंकि मम्मी अपनी बात से कभी भी हिलती नहीं। तो मदर मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मदर मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड को हमने नॉर्थ टू साउथ क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ टू साउथ क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर करंट नीचे जाएगा तो फोर्स इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, करंट इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। देखो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं लाया, ये फिक्स है, ये मदर है, ये क्या है, फिक्स। अगर करंट इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर तो फोर्स कहाँ, नॉर्थ में, फोर्स कहाँ, नॉर्थ में। अगर करंट नॉर्थ में, करंट नॉर्थ में, तो फोर्स कहाँ है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर करंट साउथ में, अगर करंट, सॉरी, करंट अगर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, करंट क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो फोर्स कहाँ है, साउथ में। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है कहानी? तो आपको क्या करेंगे एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन देंगे कैसे, कि देखो ये क्या दी हुई है, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे। अब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर।
इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ अल्फा पार्टिकल नीचे जाता तो करंट का डायरेक्शन भी नीचे होता, प्रोटॉन नीचे जाता तो करंट का डायरेक्शन भी नीचे होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नीचे, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नीचे, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, क्या बोलो, कोई परेशानी? अब अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने को जाएं, अगर हम लोग क्या करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने को जाएं, तो मैंने मदर को फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को उसके डायरेक्शन के साथ क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कहानी समझ में आई? अगर इसकी जगह अल्फा पार्टिकल होता, इसकी जगह प्रोटॉन होता, तो सबसे पहले क्या करा, फील्ड को फिक्स कर दिया। अल्फा नीचे तो करंट भी नीचे, प्रोटॉन नीचे तो करंट भी नीचे, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कहानी समझ में आई? अगर एग्जाम में पूछते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होता है, क्या बोलते हैं, फोर्स मैक्सिमम कब होता है, तो हम लोग बोलते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो तीन, कितने? सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स, जितनी वीक मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक फोर्स। सेकेंड करंट, जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, जितना कम करंट उतना वीक मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्स का मैक्सिमम कब होगा, फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? तुम लोग ऑलरेडी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिख चुके हो, आगे जाएं। कोई ऐसा समझदार? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कंसेप्ट दिया किसने था, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर ने दिया था। ठीक है, कि अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और फोर्स लग रहा है, तो क्या होना चाहिए, उल्टा भी ट्रू होना। फोर्स यूजेस ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। को फटाफट, इलेक्ट्रिक मोटर करंट मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।